हमारे बीच में हमारे अंकल जी आदरणीय राजेश मोर जी, और आज तो हाथ लाग गए मिलान में, खा इतना बड़ा कोरी में बच्चा हूँ आपका, क्योंकि बालक बालक कह रहे होंगे अंकल जी वो दादन वो उठता रहे थारा आशीर्वाद फल रहा है और हमने कड़े गाना होता, बड़ा अच्छा लगता है बड़े आशीर्वाद देते हैं। तो आपके बीच में रिकॉर्डिंग भी चल रही है मोर म्यूजिक, जो किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है, और एक दो भजन गाने के बाद मैं एक अनाउंसमेंट और करूंगा, एक और नया लफाफा पाटेगा। आज बढ़िया खुशी का मौका है, आइए। कोई भी कलाकार शुरुआत करता है उसका अपना तरीका, अपना एक लहजा होता है। मैं ज्यादा बड़ा कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन एक तरीका एक लहजा हमारा भी है। हम जहां भी जाते हैं सबसे पहली हाजरी उस भगवान के चरणों में लगाते हैं जिसने हम सबको जन्म दिया, पाले पोसे पढ़ाए लिखाए जवान करे लायक कर दिए। कौन? सबसे बड़े भगवान मेरी दृष्टि में है अपने माँ बाप, माता पिता से बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है, अपितु यहां तक लगा लो जिस बाबा का तुमने इतना बड़ा मंदिर बना रखा, कद न कदे किसे लुगाई तो जरूर जम्या होगा, यही बात नहीं है, ये तो है बखान की बात। आसमान ने घेर दिया, धरती ने उठ लिया, प्रकट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पाखंड है। सबको माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद में जो जिसे कर्म करे से उसकी उसकी छवि बन जाए, इतना ही खेल जितना रखी में सह भी नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आदमी सो का जोड़े सीधी सीधी बात है, किंतु परंतु नहीं है इस बात में। जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं वो किससे का नहीं हो सकता, ना तो वो सावंतनाथ का हो सकता, और ना हो बालाजी का, ना हो माता का, हो क्या है का नहीं। जो अपनी माँ का ही नहीं अपने बाप का नहीं, वो किसका होगा। अगर आप गृहस्थ आश्रम में, एक होता संन्यास एक होता गृहस्थ आश्रम, मारा लाग है सारे डाल की, हमने बहू की भी माननी पड़ेगी, बेटी की भी, बुआ की भी, बहन की भी, माँ की भी, सबकी माननी पड़ेगी, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं। और गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम गृहस्थ का पालन सही से नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर खामी है। आओ, अगर आप भी गृहस्थी हैं तो इस बात को पल्ले गांठ लगाना, किसी भी मंदिर में जाने से पहले आप एक बार न्यूज जरूर देख लो, घर तो बड़ा मंदिर कोई नहीं है, जिसने घर है मंदिर नहीं दिखता उसके लिए बाहर भी किमें ना है। आइए मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़े भगवान अपने माता पिता, पहला भजन उनके चरणों में लगाएंगे। मेरे इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव को मनाऊंगा, उसके बाद में बाबा सावंतनाथ के एक दो भजन आपके बीच में रखेंगे, फिर जैसा भी कार्यक्रम आदेश रहेगा कमेटी का वैसा कार्यक्रम आप लोगों के बीच में रहेगा। आइए, जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बना दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया, वही प्रेम आशीर्वाद पाने के लिए आपकी नगरी के बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ गौर से सुनोगे। आइए, कैसे लिखा है। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। नुमला के कह है, नुमला मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। क्यों कर? मगा देख माँ एक बार जन्म दे है, दोबारा किसे जन्म ना देती। पिता एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार मौका मिला है माँ बाप की सेवा करने का, और इसने भी हम खो दिया। हाँ, और मरे पाछे जिस माँ बाप ने जिंदे जी एक रोटी का टूक नहीं मिलता, मरे पाछे इस भी लंबे लंबे टेंट लाओ लोग, न्यू कह हलवा तो कोई खाना नहीं, जलेबी बनवावांगे देसी घी की, रसगुल्ले तरवावांगे, रे थरा नाश होगा, मैं डूब के मर जाओ। जिंदे जी माँ बाप ने एक रोटी का टूक नहीं, मरे पाछे जो तुम ये मृत्यु भोज करते हो, इससे बड़ा पाप पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा पाप है ये, इसको बंद करो। किसी ने कोई मरिया है बुढ़ा, किसी ने कोई मरी हुई बुढ़ी, अपने काज मनु प्लेठाए देखी हो, मैं जी मना रही हो तो बताओ, सारा देश बैठा बताओ किसी ने देखी हो, कोई नहीं जानता। मरे पाछा आदमी कड़ा जा सब तुके मारा, जिंदगी का खेली कर लियो सेवा, मरे पाछा कुछ नहीं है लोगो, जागृति भजन ओरिजिनल बात होगी। क्या लिखा? आओ जी। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं शार्प और कर दो, शार्प करके गेन उठाओ, उसकी कम आवाज है, आई नहीं रही। हले हले, आवाज बड़ा, आवाज कम है सिंगर की। Thank you.
हरि का मात पिता हो रूप हरि का मात पिता हो रूप हरि का मात पिता हो रूप हरि का पार तिरण का एक तरीका 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 वेद पुराण मात पिता की सेवा वेद पुराण पुकारा रे कर मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे कर मात पिता की सेवा बहुत अच्छे क्या बात है बस दस दिन की सह जिंदगानी बस दस दिन की या सह जिंदगानी बस दस दिन की सह जिंदगानी बस दस दिन की कदर करे ना जो नर इनकी कदर करे ना जो नर इनकी भाई कदर करे ना जो नर इनकी कदर करे ना जो नर इनकी वो फिरता मारा मारा रे करो मात पिता की सेवा फिरता मारा मारा रे करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा मीठी मीठी ताली बजा करो साथ में क्या बात है बहुत अच्छे ये बात दुनिया भर में जितने तीर्थ दुनिया भर में जितने तीर्थ दुनिया भर में जितने तीर्थ दुनिया भर में सबके सब हो अपने घर 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 में आनंद गंग धारा रे मात पिता की सेवा वह आनंद गंग धारा रे हर मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे हर मात पिता की सेवा अदालत मेरे होना एक दिन पेश ओड़े कोई वकील ना मिले ओड़े कोई वकील ना मिले झूठ कपट बेईमानी के तेरे झूठ कपट बेईमानी के तेरे ऊपर चले केस बंदे थोड़ी विड़ी ना मिले बंदे प्यारा रहिए मात पिता का प्यारा सदा रहिए मात पिता का प्यारा रहिए मात पिता का प्यारा ओम गुरु समझाया रे करो मात पिता की सेवा ओम गुरु समझाया रे करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा वो करो मात पिता की सेवा वो करो मात पिता की सेवा वो करो मात पिता की सेवा बोले अपने अपने माता पिता की।